डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्पोर्ट्स, हेल्थ, एक्सरसाइज एंड वेलबींग। सो इफ यू टॉक अबाउट द स्पोर्ट एंड एक्सरसाइज को सोसाइटी के अंदर डिफरेंट वेज में लिया जाता है, बिकॉज हम उनको ये कंसिडर करते हैं कि सम टाइम जो स्पोर्ट है ये एक्सरसाइज है, हेल्थी है, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि स्पोर्ट एंड एक्सरसाइज ऑलवेज हेल्दी हो इन देमसेल्फ। सो अगर हम फर्दर इसके ऊपर बात करते हैं, स्पोर्ट्स आर नॉट न्यूट्रल एक्टिविटी बट आर बॉन्ड इन टू कल्चर ट्रेडिशंस, वाइडर सोशल नॉर्म्स एंड सोशल इनइक्वालिटी। यानी अगर आप बात करते हैं अबाउट स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज की, तो स्पोर्ट एक्सरसाइज के अंदर आपका जो कल्चर है उसका बहुत ज्यादा रोल है, आपकी जो वाइडर सोशल नॉर्म्स है उसके बहुत ज्यादा रोल है, और आपकी सोशल इनइक्वालिटीज का भी रोल है। स्पोर्ट जो है, अगर आप देखें तो एक अपर क्लास स्पोर्ट या लोअर क्लास स्पोर्ट को हमारी सोसाइटी ने डिफ्रेंशिएट कर दिया है। अगर हम बात करते हैं रिगार्डिंग द यूरोपियन कंट्रीज, तो वहां पे फुटबॉल को एक अपर क्लास स्पोर्ट समझा जाता है। बट अगर हम बात करते हैं हमारी एशियन कंट्रीज के अंदर, तो हमारे अंदर जो हॉर्स राइडिंग है, जो पोलो है, इस टाइप की जो एक्टिव स्पोर्ट्स है उसको हम अपर क्लास में कंसिडर करते हैं। तो स्पोर्ट्स का जो है आपका सोशल इनइक्वालिटीज के अंदर बहुत ज्यादा रोल है। डेट्स वाई सोशियोलॉजिस्ट हमेशा इंटरेस्टेड रहे हैं इन स्टडिंग द स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज में। वाइडर सोशल नॉर्म्स, जिससे मैंने बताया कि डिफरेंट कल्चर्स के अंदर आपकी स्पोर्ट्स के अंदर डिस्क्रिमिनेशन है कि ये जो स्पोर्ट है ये दिस फॉर द अपर क्लास एंड दिस स्पोर्ट इज फॉर द लोअर क्लास। अपर क्लास के लिए बहुत ज्यादा फैसिलिटीज होती हैं और लोअर क्लास के पास इतनी फैसिलिटीज नहीं होती हैं। कल्चर ट्रेडिशंस भी हैं कुछ एरियाज के अंदर, कुछ स्पोर्ट्स हैं जो बहुत ज्यादा खेली जाती हैं, और कुछ जगहों पे उन स्पोर्ट्स के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। लाइक एक हमारे पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो कि पाकिस्तान से लिंक्ड है, लेकिन बाहर उनके ऊपर इतना ज्यादा लोगों को शायद नॉलेज नहीं है। अगर हम फर्दर बात करते हैं अबाउट द स्पोर्ट्स एंड द सिविलाइजिंग प्रोसेस, स्पोर्ट्स असिस्ट इन कंट्रोल ऑफ वायलेंस इन द सोसाइटी। यानी स्पोर्ट्स जो है ना, आपकी जो एक जब आप स्पोर्ट्स करते हैं तो ऑब्वियसली आप फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी जो है अच्छे हार्मोन प्रोड्यूस करती है, आपका मूड भी एलिवेशन होता है, और आप जो है आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो भी बेहतर होता है, मेंटल हेल्थ आपकी बेहतर होती है। इन दैट केस जो आपकी एक तो एक जो बहुत ज्यादा एग्रेसिवनेस है वो भी कम होती है, और जो जो इसकी अगर आप हेल्दी एक्टिविटी में अपनी पॉपुलेशन को इन्वॉल्व करेंगे तो जो आपकी वायलेंस है सोसाइटी के अंदर वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है बाय इन्वॉल्विंग पीपल इन सम सॉर्ट ऑफ हेल्दी एक्टिविटीज या हेल्दी स्पोर्ट। फिर आगे हम फर्दर बात करते हैं जी, एज अ सोसाइटी डेवलप देयर इज इंक्रीज इन रेगुलेटिंग द ह्यूमन बॉडी, स्पोर्ट्स एज ए मैकेनिज्म ऑफ सोशल रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ वर्किंग क्लास। जिसने मैंने आपको बताया जी, क्लास और स्पोर्ट को लेकर बहुत ज्यादा काम किया गया है। कुछ जो स्पोर्ट्स हैं वो क्लास ओरिएंटेड हैं, अपर क्लास से रिलेटेड हैं, कुछ जो हैं वो लोअर क्लास से रिलेटेड हैं। तो क्लास डिफरेंस जो है वो स्पोर्ट्स के अंदर बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करता है इन ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज। स्पोर्ट्स प्रोवाइड अ फॉर्म ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन सोशल क्लासेस। अच्छा, इसमें एक टर्म यूज हुई आफ्टर सम सॉर्ट ऑफ रिसर्च के बाद, इट इज नोन एज अ हैबिटस। हैबिटस क्या है? द ऑलमोस्ट सबकॉन्शियस वे सोसाइटी शेयर्स प्रेफरेंसेस एंड डिस्पोजिशन। मीन जो आपकी सोसाइटी है ना, उसको शायद वो कॉन्शियसली नहीं भी करती, बट अनकॉन्शियसली सोसाइटी अपने आप को शेप कर रही होती है अकॉर्डिंग टू उनकी क्लास के हिसाब से। मीन सोसाइटी खुद ही एक अनकॉन्शियस वे में अपनी क्लास को डिफाइन कर देती है कि ये जो थिंग्स हैं ये रिलेटेड है अपर क्लास से, और ये जो चीजें ये लोअर क्लास से रिलेटेड है। मीन अगर हम बात करते हैं कि जो कार रेसिंग है तो उसको हम कहते हैं जिस अपर क्लास के लिए, हॉर्स राइडिंग है ये अपर क्लास के लिए, बिकॉज इसके अंदर सर्टेन लग्जरीज इन्वॉल्व होती हैं जो कि अपर क्लास अफोर्ड कर सकती है। फुटबॉल है वो कहीं भी खेली जा सकती है, क्रिकेट है वो कहीं भी खेली जा सकती है, उसके लिए आपको इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए। अगर हम पाकिस्तान में देख लें तो आपके हर ऑलमोस्ट गली मोहल्ले के अंदर लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं, सो देयर इज नो क्लास डिफरेंस इन दैट स्पोर्ट। सो एक सोसाइटी जो है अनकॉन्शियस वे में स्पोर्ट्स को भी डिस्क्रिमिनेट कर रही होती है कि दिस इज फॉर द अपर क्लास एंड दिस इज फॉर द लोअर क्लास। जेंडर स्पोर्ट, अगेन जेंडर और स्पोर्ट की अगर हम बात करें तो सोशियोलॉजिस्ट इसमें भी बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, बिकॉज जेंडर मेल एंड फीमेल कंसेप्ट को देखें तो मेल को कहा जाता है देयर मोर, उनकी जो बॉडी है बहुत स्ट्रेंथ होती है उनके अंदर मस्कुलिनिटी की वजह से, और फीमेल जो है वो इतना ज्यादा फिजिकल वर्क नहीं कर सकती या इतनी फिजिकल हार्डनेस वो नहीं बेयर कर सकती है। तो उसकी वजह से कुछ ऐसी स्पोर्ट्स जिसमें फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है या आपके फिजिकल बहुत एक्सर्शन ज्यादा है तो उसको लिंक कर दिया गया कि दी स्पोर्ट्स जो है ये लिंक्ड विद द मेल है, और जो स्पोर्ट जिसमें फिजिकल आपकी एक्टिविटी कम है या आपकी जो फिजिकल फेयरनेस है वो कम है वो जो लिंक्ड है फीमेल्स के साथ। तो जेंडर स्पोर्ट का भी बहुत ज्यादा लिंक है, और इस पर बहुत ज्यादा सोशियोलॉजिस्ट जो है इस पर भी काम कर रहे हैं। स्पोर्ट्स एक्सरसाइज आर हाईली डिफरेंशिएटेड बाय जेंडर। स्पोर्ट्स प्ले अ रोल इन क्रिएटिंग जेंडर आइडेंटिटीज एंड बॉडीली डिफरेंसेस।
सोशल नॉर्म ऑफ मस्कुलिनिटी प्रिवेंट प्लेयर फॉर एडमिटिंग टू इंजरी. जिस तरह मैंने बताया जी मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन कंसेप्ट की वजह से जो सोशल नॉर्म्स हैं वो सर्टन ऐसे जो है आपकी हमारी जो स्पोर्ट्स हैं उसको फीमेल से लिंक कर देती हैं और कुछ को मेल के साथ लिंक कर देती हैं. अच्छा फिर हमारे पास जो लास्ट आता है जो वो एथनिसिटी एंड स्पोर्ट है, यानी कि अगर हम बात करते हैं रिगार्डिंग सर्टन एथनिसिटी सर्टन जो है रेसिज्म को लेके इसके अंदर स्पोर्ट्स के अंदर, तो इसके इसमें जो पाकिस्तान से बाहर जो दूसरी कंट्रीज हैं उनमें बहुत ज्यादा ये एथनिसिटी और स्पोर्ट का बहुत ज्यादा रोल है. बिकॉज स्पोर्ट्स इज डबल एट फॉर ब्लैक एंड एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप, जहां पे व्हाइट एंड ब्लैक का कंसेप्ट है मोस्टली इन यूएसए के अंदर या टू सम अदर कंट्रीज, तो वहां पे बहुत सी जो स्पोर्ट्स हैं वो लिंक्ड हैं व्हाइट एंड ब्लैक के साथ. मीन ये जो स्पोर्ट्स हैं दिस फॉर द व्हाइट क्लास एंड दिस स्पोर्ट्स आर फॉर द ब्लैक क्लास. ये एथनिसिटी का रेट वहां पे बहुत ज्यादा है जहां पे ब्लैक एंड व्हाइट पीपल इकट्ठे रह रहे हैं. इट्स रेप्लिकेट एग्जिस्टिंग सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड इट प्रोवाइड वंस फेयर फॉर द सक्सेस इंक्रीज सोशल स्टेटस. मीन अगर हम यूएसए की बात करें तो वहां पे बहुत ज्यादा है कि जो कुछ गेम्स हैं वो ब्लैक लोग खेलेंगे, एक तो ब्लैक उसकी क्लास की वजह से, दूसरा ब्लैक जो है वो उनकी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है तो वो ज्यादा फिजिकल जो जिसमें ज्यादा आपको फिजिकल एक्टिविटी चाहिए होती है, फिजिकल अर्लीनेस ज्यादा चाहिए होती है, तो उसके अंदर जो ब्लैक पीपल हैं वो ज्यादा अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं. एक तो ये वजह है और दूसरी क्लास की वजह से वहां पे रेसिज्म भी बहुत ज्यादा है और इसकी वजह से स्पोर्ट्स को उन्होंने आपस में डिवाइड कर दिया ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर. फिजिकल सुपीरियरिटी एंड रेसिज्म, जिस तरह मैंने आपको बताया जी ब्लैक पीपल जो है थोड़ा सा उनके फिजिकल उनका जो है स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है फ्रॉम द व्हाइट से, दैट्स व्हाई जो स्पोर्ट है वो उसको डिफरेंशिएट कर रही है फ्रॉम द व्हाइट पीपल. तो अगर हम एक जनरल वे में बात करें वैसे तो स्पोर्ट एंड एक्सरसाइज इज अ हेल्थी एक्टिविटी है बॉडी के लिए, फिजिकल एक्टिविटी है, बट सोशियोलॉजिस्ट इसके अंदर इंटरेस्ट इसलिए लेते हैं कि स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज जो है आपकी क्लास की वजह से डिफरेंस आ रही है, आपके जेंडर की वजह से उसमें डिफरेंस आ रहा है और आपकी एथनिसिटी की वजह से उसमें डिफरेंस आ रहा है. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स.